नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 600 स्क्वायर फीट का घर बनाने में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्चा हो जाएगा। यह हमारा 600 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है और इसी के आधार पर हमने कैलकुलेशन किया हुआ है कि 600 स्क्वायर फीट का घर बनाने में लेबर मटेरियल सहित कितना पैसा लग जाएगा। तो चलिए हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि 600 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन 2022 यानी कि 2022 में 600 स्क्वायर फीट का घर बनाने में टोटल कितना खर्चा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यह हमारा 600 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है और इसी के आधार पे हमने कैलकुलेशन किया हुआ है कि यदि आप 2022 में 600 स्क्वायर फीट का घर बनाने की सोच रहे हैं तो सीमेंट, बालू, ईंट, गिट्टी, सरिया, मेन गेट, दरवाजा, खिड़की और इसके साथ साथ लेबर पर टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम सीमेंट की बात करें तो 600 स्क्वायर फीट का घर बनाने में 206 बैग सीमेंट टोटल लग गया। इस 206 बैग में पूरा घर बन गया था। घर बनने के साथ साथ फर्श भी बन गई और फर्श के साथ साथ प्लास्टर भी हो गया। और यदि हम 206 बैग के प्राइस की बात करें तो मार्केट में हमें एक बैग सीमेंट 390 रुपये का मिल गया था। तो चलिए हम गुणा करके देखते हैं कि 206 बैग का टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 80,340 रुपये हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 80,340 रुपये का हमारा सीमेंट हो गया। सीमेंट के बाद यदि हम सैंड की बात करें यानी कि रेत की बात करें तो पूरा घर बनाने में 676 यानी कि 676 क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत लग गई। और यदि हम अपने एरिए में 1 क्यूबिक फीट सैंड के रेट की बात करें 57 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से सैंड मिल रही है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि 676 क्यूबिक फीट का टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 38,532 रुपये का हमारा सैंड यानी कि रेत लग गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आपके एरिए में क्या रेट है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसके साथ साथ आप अपने एरिए के रेट से ही गुणा करिएगा, ठीक है। तो 38,532 रुपए का सैंड लग गया। सैंड के बाद यदि हम ब्रिक की बात करें यानी कि ईंट की बात करें तो 600 स्क्वायर फीट का घर बनाने में 12,673 ब्रिक यानी कि ईंट लग गई इस प्लान के आधार पे, ठीक है। और यदि हम अपने एरिया में एक ईंट के प्राइस की बात करें तो 7.5 रुपए यानी कि 7.5 रुपए का हमें एक ईंट मिल गया था। तो चलिए अब हम गुणा करके देखते हैं कि टोटल ईंट का कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 95,047 रुपये का हमारा ईंट हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आपके एरिया में ईंट का क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो 55,047 रुपये का हमारा ब्रिक यानी कि ईंट हो गया। ईंट के बाद यदि हम एग्रीगेट की बात करें तो 600 स्क्वायर फीट का घर बनाने में 585 क्यूबिक फीट एग्रीगेट यानी कि गिट्टी लग गई। तो यदि हम इतने गिट्टी के प्राइस की बात करें तो हमारे एरिया में प्रेजेंट टाइम में गिट्टी का जो प्राइस है वो 62 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से मिल रहा है। तो चलिए गुणा करके देखते हैं कि 585 क्यूबिक फीट का कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 36,270 रुपये का हमारा एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 36,270 रुपये का एग्रीगेट हो गया। एग्रीगेट के बाद यदि हम स्टील यानी कि सरिये की बात करें तो 600 स्क्वायर फीट का घर बनाने में 1425 किलोग्राम सरिया लग गई थी। और यदि हम अपने एरिया में 1 किलोग्राम सरिये के प्राइस की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे एरिया में 67 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से सरिया मिल रही है जो कि कामधेनु कंपनी की है। तो चलिए गुणा करके देखते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 95,475 रुपये का हमारा स्टील हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 95,475 रुपये का स्टील यानी कि सरिया हो गया। स्टील यानी कि सरिये के बाद यदि हम मेन गेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मेन गेट लगा हुआ है जो कि 6 फीट बाई 7 फीट का था। इसको बनवाने में 25,375 रुपये का खर्चा हो गया। तो मेन गेट बनाने में 25,375 रुपये का खर्चा हो गया। मेन गेट के बाद यदि हम डोर यानी कि दरवाजे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यानी कि टोटल 4 डोर हैं। तो दरवाजे पर टोटल 26,400 रुपये का खर्चा हो गया यानी कि ये 4 जो दरवाजे लगे थे इस पर 26,400 रुपये का खर्चा हो गया। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, 26,400 रुपये का दरवाजा हो गया।
डोर के बाद यदि हम विंडो की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3, इस घर में टोटल 3 विंडो हैं और तीनों विंडो का 13,500 रुपये का खर्चा हो गया था। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, विंडो का 13,500 रुपये का खर्चा हो गया। विंडो के बाद यदि हम लेबर रेट की बात करें तो लेबर रेट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था, और इस घर का जो टोटल एरिया है 600 स्क्वायर फीट है, तो पूरे घर का कंस्ट्रक्शन वर्क करने का जो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका हुआ था वो 210 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था। ये 210 रुपये केवल लेबर रेट है, ठीक है। और इस 210 रुपये में उन्होंने पूरा घर बनाया था। घर बनाने के बाद उसका प्लास्टर किया और इसके साथ साथ फ्लोरिंग यानी कि फर्श का भी काम किया था। तो चलिए गुणा करके देखते हैं कि 600 स्क्वायर फीट का टोटल लेबर रेट कितना हुआ। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1,26,000 रुपये लेबर रेट हो गया। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, 1,26,000 टोटल लेबर रेट हो गया। अब चलिए हम टोटल करके देखते हैं कि सीमेंट, बालू, ईंट, गिट्टी, सरिया, मेन गेट, डोर, विंडो और लेबर चार्ज का मिलाकर टोटल कितना पैसा हो गया 600 स्क्वायर फीट का घर बनाने में। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 600 स्क्वायर फीट का घर बनाने में 5,36,805 रुपये का खर्च हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यदि आप 600 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं तो 5,36,805 रुपये में आपका पूरा घर बन जाएगा। घर बनने के बाद घर का प्लास्टर हो जाएगा और इसके साथ साथ फर्श भी बनकर तैयार हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन के बाद आपको पेंट पुट्टी और इसके साथ साथ वायरिंग और सेनेटरी वर्क पर एक्स्ट्रा खर्च करना होगा। इसी प्लान के आधार पे हमने कैलकुलेशन किया था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फुल इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी। उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया होगा कि 600 स्क्वायर फीट का घर बनाने में केवल स्ट्रक्चर पर लमसम कितना खर्चा हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।